मैंने बताया था कि अपने छिंदवाड़ा स्कूल में बालक रामकृष्ण को साजिश के तौर कर दिया था, बापू के गुरुकुल बंद कराने की साजिश थी। तो रामकृष्ण तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन वही रामकृष्ण अभी फिर से आ गया अपने माँ बाप के गोद में। इधर आ जा। ये हमारे बंबई के जाने माने एडवोकेट हैं, क्या नाम है? मोहनलाल यादव। मोहनलाल यादव एडवोकेट मुंबई। ये रामकृष्ण जो छिंदवाड़ा गुरुकुल से भगवान के पास जाके फिर लौट के आ गया। रामकृष्ण है ना, तो रामकृष्ण है ना, यह है रामकृष्ण जो छिंदवाड़ा गुरुकुल से गया फिर आ गया। एकदम सेम टू सेम है स्वभाव में इसमें। अच्छा रामकृष्ण कहाँ है? बताओ, बोलो, बताओ आप। मेरा नाम हरिओम। मेरा नाम मोहनलाल यादव, मैं मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और 2008 में मैंने रामकृष्णा, इनका नाम उसमें भी रामकृष्णा था, तो वहाँ बापूजी के गुरुकुल में अच्छा शिक्षा दीक्षा मिलता है, इसलिए मैंने वहाँ छात्रावास में छोड़ दिया था। और षड्यंत्रकारी लोग जो भी थे, उन्होंने षड्यंत्र करके बापूजी को बदनाम करने के लिए इस मेरे बच्चे को टारगेट किए। लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरे बच्चे का स्वर्गवास होगा, मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे गुरुदेव ऊपर बहुत विश्वास था कि मेरे गुरुदेव मेरा अहित नहीं करेंगे, और इतना बड़ा अहित नहीं करेंगे कि लोग मुझे बोले कि 4 साल बच्चे को तू पढ़ा लिखा था और बम्बई से बाहर क्यों छोड़ दिया। मुझे थोड़ा था लग रहा था कि लोग मुझे कहेंगे, मुझे यही डर था। और गुरुदेव ने जब ये सब घटना हुई तो दिल्ली में 1 अगस्त को हजारों की भीड़ में कहा था मुझे और पत्नी जी को खड़ा करके कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में फिर आएगा। उसी दिन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और मैं गुरुदेव को प्रार्थना करते रहा, गुरुदेव जल्द से जल्द आपका वचन साकार हो। और कुप्रचार वाले के मुंह पे तमाचा गुरुदेव ने 2 साल पहले मार दिए, और रामकृष्णा जैसे पहले थे उसी रूप में हैं और वैसे ही हाव भाव करते हैं। और ये बेटा आ गया। जब कभी कहा जाता है रामकृष्णा कहाँ है, तो अंदर बोलते हैं रामकृष्णा अंदर हैं, अंदर अंदर ऐसा बताते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और इसको तो साक्षात्कार भी कराना पड़ेगा अब तो। हाय हाय।